आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ईकेवाईसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है आप लोगों का ईकेवाईसी शुरू हो चुका है, अभी आप लोग यहाँ पे जो अपना ईकेवाईसी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लैपटॉप नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, वो अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपना ईकेवाईसी करना चाहते हैं। वहां पे आप लोगों को जो कुछ एरर देखने को मिलता है, यहाँ पे रिकॉर्ड नोट फाउंड का यहाँ पे जो एरर है वो आप लोगों को मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। तो हम आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे अपना जो यहाँ पे ईकेवाईसी है वो कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये 100% आप लोगों का वर्क करता है और 100% आप लोगों का ईकेवाईसी जो है वो सक्सेसफुल यहाँ पे होने वाला है। तो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ईकेवाईसी करना है, किस तरीके से आप लोगों का मोबाइल फोन के माध्यम से कौन सी ट्रिक से आप लोगों का ईकेवाईसी होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो अपने फोन से यहाँ पे ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको जो यहाँ पे ब्राउजर में ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सबसे नीचे आप लोग को यहाँ पे फार्मर कॉर्नर के ऑप्शन में ई केवाईसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना, ये कैप्चा डालना और सर्च पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आप जो सर्च पे क्लिक करते हैं तो आप लोग का एक जो है एरर देखने को मिलता है, नो रिकॉर्ड फाउंड का। अब इस एरर को आपको किस तरीके से फिक्स करना है और किस तरीके से आपको जो यहाँ पे 100% सक्सेसफुली जो है यहाँ पे अपना ई केवाईसी करना है, मैं आप लोग को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे एरर दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है उसको सोल्व करके भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा। तो मैं जो यहाँ पे एक आधार नंबर डाल देता हूँ, उस पर आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है आधार नंबर डाल लिया और कैप्चा भी यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद आपको करना क्या है, सर्च पे आपको क्लिक करना है। इसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि आप लोगों को रिकॉर्ड नोट फाउंड का यहाँ पे एरर जो है देखने को मिल रहा है। अब आपको करना क्या करना है, आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको जो ये कैप्चर दिख रहा है इस पे जो है लॉन्ग प्रेस करना है, थोड़ा सा आपको प्रेस करके रख लेना है और यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग का एक दूसरे टैब में जो है यहाँ पे एक इमेज आप लोग का ओपन हो जाता है, ये जो है एक अलग कैप्चर आप लोग का ओपन हो जाता है। अब यहाँ वाला कैप्चर आप देख लीजिए और यहाँ वाला आप जो है कैप्चर देख लीजिए कि यहाँ पे जो है एक अलग कैप्चर हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस कैप्चा को आपको डालना है, यहाँ पे जो आप लोगों का ये कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा जो यहाँ पे आपको डालना है, तो आप लोगों का जो प्रोसेस है वो आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो वो कैप्चा डाल दिया, यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने जो वो कैप्चा है वो एक कैप्चा यहाँ पे जो डाल दिया है, यहाँ पे आप कैप्चा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, सर्च पे आपको क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि हमारा जो है यहाँ पे आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर यहाँ पे जो मांगा जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है वो डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो मैं जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो ओटीपी जाएगा वो आप लोगों का जो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ओटीपी डाल लेना है और सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं जो यहाँ पे ओटीपी देख लेता हूँ, ओटीपी देखने के बाद मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ओटीपी है वो आ चुका है, तो मैं जो यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ। डालने के बाद मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ओटीपी डाल दिया है, डालने के बाद यहाँ पे सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ई केवाईसी है वो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से, अभी जो है आप लोगों का इनवैलिड ओटीपी का यहाँ पे जो आप लोगों का एरर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये एरर कभी आता है कभी नहीं आता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है ई केवाईसी है वो हो चुका है। मैं आप लोगों को प्रूफ के लिए यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ई केवाईसी हो चुका है, किसी किसी का जो यहाँ पे ई केवाईसी हो जा रहा है, किसी किसी का ई केवाईसी नहीं हो रहा है और किसी किसी का जो यहाँ पे बार बार ट्राई करने पर जो है यहाँ पे ई केवाईसी हो जा रहा है। तो आप जो यहाँ पे ट्राई करते रहिए, आप लोगों का जो ई केवाईसी है वो हो जाएगा, नहीं तो कुछ देर इंतजार कर लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग का ई केवाईसी हो जाएगा। यानी कि अब जो है ये 100% वर्क कर रहा है, अभी जो है कुछ दिन के बाद आप लोगों का जो ई केवाईसी है वो अच्छी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अभी जहाँ पे अपडेट आ रही थी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को ई केवाईसी करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते नेक्स्ट मंथ, तक के लिए धन्यवाद।